हेलो फ्रेंड्स, मैं मालती खाना जायकेदार में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है होममेड चॉकलेट। ये बहुत इजी और फटाफट बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स, इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैंने एक बार चॉकलेट का कोका प्रीमियम व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट, इसमें चार बार होते हैं, मैंने इसका एक बार यूज किया है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, इसी तरह का पैकेट आता है, आप इसे ले सकते हैं। ये कॉस्टिंग में भी ज्यादा नहीं जाएगा। एक बार मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट का लिया है, ये देखिए, इसको भी मैंने क्रश कर लिया है, बारीक काट के क्रश कर लिया है। इसका भी मैंने एक ही बार यूज किया है, मुझे ज्यादा नहीं बनानी है। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप दो बार या तीन तीन बार यूज कर सकते हैं। ये मैंने स्टार लिए हैं ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। ये एक बाउल लिया है मैंने, हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे हमारे ये दोनों चॉकलेट्स और इसको एक मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। ये जैसे ही मेल्ट हो जाएंगे, मेरे पास में सिलिकॉन मोल्डिंग ट्रे है चॉकलेट्स का, इसमें हम ट्रांसफर करेंगे और फ्रिज में इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप माइक्रोवेव में नहीं करना चाहते हैं तो आप डबल बॉयलर यूज कीजिएगा। मेरी प्रीवियस चॉकलेट की रेसिपी में मैंने डबल बॉयलर का कैसे इस्तेमाल करना है ये बताया है। ये हमने एक मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है, मेल्ट हो गए हमारे चॉकलेट अच्छे से मेल्ट होने चाहिए ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहने पाए। आप देख सकते हैं इसके नीचे मैंने गर्म पानी रखा है क्योंकि ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है जैसे ही ठंडा होने लगे, इसलिए मैंने गर्म पानी रखा है। अगर आप डबल बॉयलर में करते हैं तो फिर गर्म पानी रखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सिलिकॉन मोल्ड है, इसमें हम इसको फटाफट पोर करेंगे। और इसको रेफ्रिजरेटर में आधे घंटे के लिए रखेंगे। अगर आपके पास में सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो आप प्लास्टिक ट्रे में भी बना सकते हैं। ये मोल्ड हमने पूरा भर दिया है, ये देखिए, इसको हम फ्रिज में रखें। इसके पहले मेरे पास ये कुछ स्टार है, ये स्प्रिंकल करेंगे। इट विल लुक मोर बेटर एंड किड्स विल एंजॉय। इसको एक एक ऐसे हल्का सा प्रेस करके हम फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए। ये देखिए, हमारे चॉकलेट्स बनके रेडी हैं। आधे घंटे बाद मैंने इनको रेफ्रिजरेटर से निकाला है, ये बिल्कुल सेट हो गए हैं, है ना, बिल्कुल आसान तरीका चॉकलेट बनाने का। आप भी बनाइएगा फ्रेंड्स, इसको निकालना भी कोई मुश्किल नहीं है। देखो, जस्ट इसको ऐसे प्रेस कर दो, ये देखिए ऐसे ये निकल आते हैं। हम सारे ऐसे ही निकाल लेंगे, बहुत आराम से निकल जाते हैं ये। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, एक बार ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
ये देखिए मैंने एक और मोल्ड में डाले थे चॉकलेट, ये भी बहुत आराम से निकल रहे हैं। ये देखिए हमने सारे चॉकलेट्स निकाल दिए हैं। आप भी इसे जरूर बनाइएगा, अपने फीडबैक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स।